तेरे से कुछ यूं दिल लगा बैठे थे, अपना सब कुछ गवा बैठे थे। तेरे से कुछ यूं दिल लगा बैठे थे, अपना सब कुछ गवा बैठे थे। तूने ऐसे जगह छोड़ा जहाँ जिंदगी तेरे नाम गवा बैठे थे। तो वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस। जो मेरा आज का ब्लॉग है वो वर्कआउट से शुरू नहीं हुआ क्योंकि बाहर बारिश बड़ी लगी हुई मेरे घर वाली साइड। तो आज का जो ब्लॉग है वो कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। आज कुछ यूनिक सोचा हुआ करने का, बच्चों से बात करेंगे कॉलेज के कि कैसा कॉलेज, क्या माहौल है इसमें। जो चलो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं सीधे कॉलेज। अरे कॉलेज के न्यू स्टूडेंट जो यहाँ पे सोए हुए हैं इस टाइम, इनका दोस्त एक ये है। पहुँच गए हैं कॉलेज और कॉलेज में कुछ बच्चे मिले यहाँ पे, जैसे ये हमारे क्लासमेट है। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये कॉलेज करने गए हैं आज बारिश में। तो बताएंगे रोहित जी आज क्या करने आए हो बारिश में। बारिश में हमें ज़्यादा माहौल देखने को मिलता है। ज़्यादा माहौल देखने को मिलता है? कौन सा माहौल देखने को मिलता है, किसकी बात कर रहे हो आप, जैसे बता सकते हो? क्या हुआ? भीगा बदन। अच्छा भीगा बदन। ये भीगा बदन देखने आते हैं कॉलेज, देख लो इनको अच्छे से। तो अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। नहीं बता, अब मैं पूछूंगा कॉलेज की। अच्छा पहले मेरे को बताओ कॉलेज की दो अच्छी और दो बुरी बातें बताओ। चलो दो अच्छी और दो बुरी। हाँ अच्छी तो कोई नहीं है लेकिन चार बुरी सुना सकता हूँ। हाँ हाँ बताइए जरूर। सबसे बड़ी और बुरी खबर ये हमारी कॉलेज की कि यहाँ इतना सिस्टम नहीं देखने को मिलता, अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखने को नहीं मिलती हमें। ये लड़कियाँ देखने आते हैं, देख लो इनको, ये अच्छे से देख लो। लौंडियाबाजी करते हैं। हाँ इनको तो शर्म ही नहीं आती है, इनको देख लो सहेली होते हुए भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपकी क्लास नहीं अभी कोई भी? अच्छी है सर, वो सामने क्लास लगी हुई है, हम यहाँ से क्लास में आ रहे हैं। ये उनकी क्लास लगी हुई है, यहाँ बैठे हुए हैं। किसका वेट कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? सर का जाने का। तो चलो अब और ढूंढते हैं कोई। ये बच्चों तो बड़े बच्चों हैं, छोड़ इनको। कुछ गैंगस्टर हमारे कॉलेज में घुस आए हैं। ये अंशु, हाँ ये काली कमीज वाला हमारा अंशु है। ये क्या कर रहे हैं ये बदतमीज कहीं के? ये दूसरा पंकु है। तो जैसे कि आपको पता नहीं होगा पर मैं बता देता हूँ कि नूरपुर कॉलेज में फ़ोन बैन है, 200 रुपये जुर्माना है। और इसको देखो जो मेरे साथ बैठा हुआ, अभी फ़ोन चला जा रहा है, शर्म ही नहीं है इसको। बड़ा ब्रदर मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैंने 200 रुपया चलान दे दिया है फ़ोन का। वेरी गुड, फिर लगे रहो। आज मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी से बात करने का, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बंदे को पूछा, वो मेरा क्लासमेट था। तो बाकी अभी जैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग मेरे को मतलब लाइक करोगे, मेरी वीडियो को शेयर करोगे, तो वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखते रहो मेरी वीडियो को और मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते रहो, और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा था। बस आज का इतना सा था ब्लॉग। तो अभी पता नहीं एकेडमी जाना है कि नहीं आना है, तो इसलिए मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।